आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो मंत्र शीर्षक पाठ है जिसके लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी। और इस पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहा जाता है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, ताकि आपको रटना भी ना पड़े, क्योंकि आपकी जो परीक्षा होने वाली है वार्षिक परीक्षा, उस परीक्षा में प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक कितने प्रश्न, कुल 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके नंबर कितने होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का होगा, 20 नंबर के ये प्रश्न होंगे। और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट पर फिल करना है। और यदि आप OMR शीट भरने का तरीका सीखना चाहते हैं, तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने बताया है कि OMR शीट कैसे भरें और OMR शीट पर प्रश्नों के उत्तर कैसे हल करें, यानी प्रश्नों के उत्तर कैसे भरें, आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप उन्हें देखकर लाभ उठा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पहला प्रश्न कि डॉक्टर चड्ढा क्या खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। डॉक्टर चड्ढा क्या खेलने के लिए तैयार हो रहे थे? पहला विकल्प है गोल्फ, दूसरा है बैडमिंटन और तीसरा है टेनिस, चौथा है फुटबॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर चड्ढा क्या खेलने के लिए तैयार हो रहे थे, राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्फ हो जाएगा, कि डॉक्टर चड्ढा जो सुबह सुबह गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। अगला प्रश्न है बूढ़े ने अपनी पगड़ी उतार कर रख दी। यहाँ पर पहला विकल्प है चौखट पर, दूसरा है डॉक्टर चड्ढा के पैरों में, तीसरा है चार पाई पर और चौथा है मेज पर। जब डॉक्टर चड्ढा ने मना कर दिया बूढ़े के बेटे को देखने से, तब उसने अपनी पगड़ी को उतार कर कहाँ पर रख दिया? तो उत्तर क्या हो जाएगा? चौखट पर, कि डॉक्टर चड्ढा के पैरों में, चारपाई पर अथवा मेज पर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौखट पर। बूढ़े ने अपनी पगड़ी उतार कर कहाँ रख दी? चौखट पर रख दी। अगला जो है प्रश्न है, और मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि इस पाठ के जितने भी प्रश्न हैं, यदि आप इस पाठ को, यानी मंत्र शीर्षक पाठ को, यानी मंत्र जो लिखा हुआ है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी विधा की रचना है, और इसको यदि आप गौर से पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से कोई भी प्रश्न बनेगा आपकी परीक्षा में, उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या है? जब डॉक्टर चड्ढा बाहर निकलकर मोटर की तरफ चल पड़े, तो बूढ़ा क्या कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा। तो यहाँ पर इस प्रश्न के विकल्प क्या हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला विकल्प है हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ मेरा लड़का कई दिन से, दूसरा है दुहाई है सरकार की लड़का मर जाएगा हुजूर चार दिन से आंखें नहीं, तीसरा विकल्प है हुजूर एक निगाह देख लें बस एक निगाह, और चौथा विकल्प है सरकार बड़ा धर्म होगा हुजूर दया कीजिए बड़ा दीन दुखी हूँ संसार में कोई और नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कि जब डॉक्टर चड्ढा बाहर निकलकर मोटर की तरफ चल पड़े, यानी गोल्फ खेलने जाने के लिए मोटर की ओर बढ़े या चल पड़े, तब जो बूढ़ा व्यक्ति था वह क्या कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा। राइट आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का विकल्प, सरकार बड़ा धर्म होगा हुजूर दया कीजिए बड़ा दीन दुखी हूँ संसार में कोई और नहीं है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर चौथे नंबर का, निम्न में से डॉक्टर चड्ढा किसका रहस्य खूब समझते थे। यहाँ पर पहला विकल्प है उपचार का, दूसरा है संयम का, तीसरा है विकल्प का वाखा दोनों और चौथा है संतान का। तो निम्न में से डॉक्टर चड्ढा किसका रहस्य खूब समझते थे, उपचार का और संयम का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा?
जाएगा। विकल्प का और खा दोनों अर्थात डॉक्टर चड्ढा उपचार का तथा संयम का दोनों का रहस्य अच्छे से समझते थे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत कैलाश को शौक था, जो डॉक्टर चड्ढा का पुत्र था इकलौता, जिसका नाम क्या था कैलाश, और उसे कैसा शौक था। तो पहला विकल्प है सांपों को पालने का, दूसरा है सांपों से खेलने का, तीसरा है सांपों को नचाने का, और चौथा है इन सभी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कैलाश को कैसा शौक था, सांपों को पालने का, सांपों से खेलने का, सांपों को नचाने का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इन सभी का। कौन सा विकल्प सही है, चौथा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 6 जो कि इस प्रकार से है, निम्न में से मृणालिनी और कैलाश दोनों थे, क्या थे। पहला विकल्प है सहपाठी, दूसरा है गुरु शिष्या, और तीसरा है भाई बहन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मृणालिनी और कैलाश दोनों क्या थे, सहपाठी थे। राइट आंसर क्या है, पहला ही विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर शहर से कई मील दूर तक छोटे से घर में अंगीठी के सामने कौन बैठे हुए थे। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, पहला विकल्प बूढ़ा और बुढ़िया, दूसरा है कैलाश और मृणालिनी, तीसरा है झागड़ शाह और उसकी पत्नी, और चौथा है चौकीदार और उसकी पत्नी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में अंगीठी के सामने कौन बैठे हुए थे, बूढ़ा और बुढ़िया। राइट आंसर पहला ही विकल्प सही है। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, निम्न में से किसे सांप ने काट लिया। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा क्या, अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 नंबर का, निम्न में से किसे सांप ने काट लिया। पहला विकल्प है डॉक्टर चड्ढा को, दूसरा विकल्प है मृणालिनी को, तीसरा विकल्प है कैलाश को, और चौथा विकल्प है चौकीदार को। तो सांप ने किसे काट लिया था, सांप ने डॉक्टर चड्ढा के बेटे कैलाश को काट लिया था, क्योंकि कैलाश जो था उसने सांप के दांत को दिखाने का प्रयास किया और सांप की गर्दन को एकदम हाथ से बहुत तेजी से दबाया, और जैसे ही उसकी गर्दन को छोड़ा सांप ने जरा सा छुटकारा पाया, अपने आप को अलग थोड़ा सा महसूस किया और कैलाश से खतरा समझते ही उसे डस लिया। तो सांप ने किसे काट लिया, कैलाश को काट लिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांप ने डॉक्टर चड्ढा के बेटे कैलाश को काट लिया। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कहारों ने पानी भर भर कर किसे नहलाया। तो यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है मृणालिनी को, दूसरा विकल्प है बूढ़े को, तीसरा है चौकीदार को, और चौथा है कैलाश को। तो कहारों ने पानी भर भर कर किसे नहलाया, राइट आंसर हो जाएगा कैलाश को, क्योंकि कैलाश को सांप ने काट लिया था, और जब वह बूढ़ा व्यक्ति जिसके बेटे को देखने तक का समय नहीं था डॉक्टर चड्ढा के पास, आज वही बूढ़ा व्यक्ति आया हुआ है डॉक्टर चड्ढा के बेटे को ठीक करने के लिए, यानी उनके बेटे को जब सांप ने काट लिया है तो वह बूढ़ा व्यक्ति दौड़ कर आया है। देखिए कितना जो है एक तरीके से बड़ा ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से, कि हमें ऊंच नीच का भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ऊंच नीच का भेदभाव करेंगे तो हम समाज में समान रूप से कभी नहीं जीवन यापन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर क्या हो जाएगा कि कहारों ने पानी भर भर कर किसे नहलाया, कैलाश को नहलाया, क्योंकि कैलाश को नहलाने का आदेश किसने दिया था, उस बूढ़े व्यक्ति ने दिया था जिसने कैलाश को ठीक करने के लिए मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ किया हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मैंने तो सोचा था इसे बड़ी रकम दूंगी, मैंने तो सोचा था इसे बड़ी रकम दूंगी, यह निम्न में से किसने कहा। यहाँ पर पहला विकल्प है देवयानी ने, दूसरा विकल्प है नारायणी ने,
तीसरा विकल्प है मृणालिनी ने और चौथा विकल्प है बुढ़िया ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मैंने तो सोचा था इसे बड़ी रकम दूंगी, तो यह जो है किसने कहा, नारायणी ने कहा। और नारायणी कौन थी, डॉक्टर चड्ढा की पत्नी थी अर्थात कैलाश की माँ थी। जब कैलाश को उस बूढ़े व्यक्ति ने जीवित कर दिया यानी उसे होश में ला दिया, तो अब वो तुरंत ही वहां से चला जाता है और इधर क्या होता है कि सभी लोग उसे खोजने लगते हैं। तब डॉक्टर चड्ढा बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, उससे क्षमा जरूर मांगूंगा। और उनकी पत्नी जो कि नारायणी है वह क्या कहती है कि मैंने तो सोचा था उसे बहुत बड़ी रकम दूंगी और उसे धन दौलत से बहुत बड़ा अमीर आदमी बना दूंगी। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को भी नोट कर लीजिएगा और बहुत ही जल्द मैं आपको जो दूसरा चैप्टर है जो कि आपके सिलेबस में है गुरु नानक देव, और इस सिलेबस के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप कमेंट कीजिएगा, पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए, अपने परिवारजनों को भी खुश रखिए। जय हिंद।